हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं पटना मेट्रो का जो यार्ड और पटना मेट्रो स्टेशन का जो बैरिया बस स्टेशन के पास जो स्टेयर सीढ़ी बन रहा है चढ़ने के लिए वो, और ये सामने जो देख रहे हैं ये यार्ड है। बाकी इस तरफ का कुछ काम है, देखिए आप यहाँ बन रहा है मेट्रो यार्ड जहाँ लगभग 12 मेट्रो लग सकता है ऐसा मैं इमेज में देखा हूं तो बता रहा हूं। और बाउंड्री तो कर दी गई है लेफ्ट एंड राइट में, खाली इसमें ट्रैक लगाना और अभी पिलर वगैरह का काम बाकी है पियर का। और इस तरफ सामने जो है देख रहे हैं आप जहाँ बड़ी बड़ी क्रेन लगा हुआ, तो ये ISBT मेट्रो स्टेशन होगा फ्यूचर में, और किसी नाम से जाना जाता हो। लेकिन यहाँ पर सीढ़ी भी बन रहा है तो भी मैं दिखाऊंगा। बाकी जो भी मेट्रो चलेंगी तो उनकी रख रखाव साफ सफाई यही सामने होगा, सामने वाला ये जो पूरा देख रहे हैं आप, तो काफ़ी लंबा चौड़ा काफ़ी दूर तक है। सब जितना देख रहे हैं सब यार्ड का ही ज़मीन है और यार्ड के ही रूप में उपयोग किया जाएगा। मेन स्टेशन ये लास्ट यहाँ से स्टार्ट होता है या लास्ट है ISBT मेट्रो स्टेशन। तो ये ISBT मेट्रो स्टेशन है जो कि पटना मेट्रो का लास्ट स्टेशन होगा। यहाँ से लेकर के और मलाही पगड़ी तक 5 स्टेशनों पे 2025 तक ट्रायल करना है। और यहाँ पर जो ये निर्माण देख रहे हैं ये सीढ़ी बन रहा है इस पर जाने के लिए स्टेशन पे, ऐसा यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। और मेट्रो का जो बोर्ड लगा हुआ है उससे मैं भी समझ रहा हूँ, तो सीढ़ी वगैरह बनेगा, सीढ़ी लिफ्ट इस पर जाने के लिए। तो ये पहला स्टेशन होगा या लास्ट स्टेशन होगा, तो यहाँ पर सीढ़ी वगैरह का काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये पूरा जगह है मेट्रो स्टेशन का, चलिए दिखाता हूँ। और आगे आप 0 माइल मेट्रो स्टेशन ऑर्डर की जो लॉन्चिंग की प्रक्रिया है वो 0 माइल से लेकर के और ISBT तक अप्रोक्स कंप्लीट है, सिर्फ 2 पे बाकी है। देखिए यहाँ पर जो काम है बस यही इतना बाकी है, स्टेशन के पास काम बाकी है, बाकी पूरे जगह पे यू गर्डर लॉन्च कर दिया गया है। चलिए देखता हूँ और आगे कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है 0 माइल मेट्रो स्टेशन, जो कि मेट्रो 0 माइल से होते हुए और इस तरफ ISBT की ओर चली जाएगी बस स्टैंड की तरफ। बगल में कुछ ट्रक वाले देखिए कैसे मार दिन और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, तो पता नहीं किस तरीके से वो लोग चलाते हैं कि दिखता नहीं है। देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो गया है। तो 0 माइल के पास 5-6 पियर पे यू गर्डर लॉन्च करना बाकी है, जो कि प्रोसेस स्टार्ट है। देखिए आप हाइड्रोलिक वगैरह आया हुआ है और लगा हुआ है यहाँ से ऐसे होते हुए और आगे तक जहाँ पर काम हुआ हुआ है वहाँ तक ये चलेगा। जो देख रहे हैं आप जो ये 0 माइल मेट्रो स्टेशन जिसका काम जोरों शोरों से चल रहा है, और ये MG सेतु है, न्यू MG सेतु, ओल्ड MG सेतु जो सीधे वैशाली डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर चढ़ने के लिए इस मेट्रो स्टेशन पे देखिए हमने वहाँ सीढ़ी का काम हो रहा है, देखिए यहाँ से पायल कना रहा है और सीढ़ी बनेगा और जिससे लोग इस मेट्रो स्टेशन पर चल सकेंगे। दोनों फ्लोर में लगभग 4 मीटर का अंतर है एक से दूसरे के बीच, और पहला फ्लोर जो होगा उस पर टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल, ट्रेन चेंज करने की फैसिलिटी, खाने पीने की अगर हो सकती है तो होगी फैसिलिटी। बाकी सेकंड जो फ्लोर देख रहे हैं आप तो उस पर मेट्रो आएगी जिससे आप या तो पटना की ओर जा सकेंगे या ISBT की ओर जा सकेंगे। तो यहाँ पर काम जोरों शोरों से हुआ है और फिर पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी टाइम टू टाइम, देखिए क्या होता है। तो काम ये बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे चल रहा है, इसे 2025 तक ट्रायल कर देना है। तो गटर भी लॉन्च किया जा रहा है, सब प्री कास्ट है, तो प्री कास्ट मतलब पहले से कास्ट किया हुआ है, सिर्फ उसे रखना है। तो वैसा कोई टाइम लगने वाला है नहीं, रखने वाले प्रोसेस में जो इसमें 2 से 3 साल लग गया उसमें नहीं लगना चाहिए, उसमें 1 साल में हो जाना चाहिए। तो टोटल लगभग 13,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 13,500 से 14,000, जो कि 2 फेज में काम चल रहा है, एक पटना जंक्शन से ISBT, एक मलाही पगड़ी से दानापुर कैंट तक। तो दोनों का मैं कई बार अलग अलग अपडेट दिया हूँ और कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा। चलिए भूतनाथ स्टेशन का वर्क स्टेटस कुछ दिखाता हूँ। और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर, 900 मीटर, 1100 मीटर इस तरीके से है। और टोटल लगभग एक पियर से एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन के बीच, एक पियर से दूसरे पियर के बीच की डिस्टेंस 28 मीटर और 40 मीटर 40 पियर कहीं पर है, कहीं पर 38 है। और ये जो स्क्वायर वाला देख रहे हैं ये लगभग 17 मीटर एक से दूसरे के बीच है, तो कहीं पर 12, कहीं पर 13, कहीं पर 15 इस तरीके से मेट्रो स्टेशन की लेंथ है, लगभग 170 मीटर, तो कहीं पर 200 मीटर, कहीं पर 250 मीटर इस तरीके से मेट्रो स्टेशन की लेंथ है एक जगह से दूसरे जगहों के बीच। 2 माइल से देखिए आपकी यू गर्डर की जो भी प्रोसेस है वो पूरी तरीके से एकदम दूर तक, यानी अगला जो स्टेशन होगा वो भूतनाथ स्टेशन होगा, तो वहाँ तक पूरी तरीके से डाला हुआ है, यू गर्डर लॉन्च किया हुआ है। चलिए अब आपको भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का वर्क स्टेटस दिखाता हूँ, वहाँ तक क्या प्रोग्रेस है। पैदल चला है आप भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का वर्क स्टेटस देख सकते हैं, इससे भी एक फ्लोर का काम कम्प्लीट हो चुका है। सेकेंड फ्लोर पर जो भी लेफ्ट राइट का विंग है उसे जोड़ा जा रहा है और आगे का प्रोसेस स्टार्ट है, और अभी भी क्रेन से उसे उठाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से लॉन्चर मशीन से वो टंगा हुआ है सामने वाला, देखिए काम की रफ्तार पहले से बहुत है। और देखिए इस तरीके से काम हो रहा है, ये भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का वर्क स्टेटस है जो मैं दिखा रहा हूँ।
नथ मेट्रो स्टेशन का वर्क स्टेटस आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी उसी तरीके से प्रोसेस है। उसके बाद फिर मलाही पकड़ी आता है जो अंदर की ओर है राजेंद्र नगर की ओर, और जो खेमनी चेक है वहाँ तक मैं अपडेट आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से देखिए आप, दोनों का भी गटर लॉन्च नहीं स्टार्ट हुआ है। कहीं चलिए आगे देखता हूँ और कुछ दिखे। वैसे पटना मेट्रो की बात करो तो दो लेन में बन रहा है, दो फेज में बन रहा है, एक ब्लू लाइन एक रेड लाइन। अभी जो मैं चल रहा हूँ ये ब्लू लाइन में चल रहा हूँ। जो ब्लू लाइन है वो पटना जंक्शन से लेकर के और बैरिया बस स्टैंड तक है, और जो रेड लाइन है वो दानापुर से लेकर के खेमनी चेक तक है। तो ये जो सामने जो दो पियर देख रही है खेमनी चेक का है। यहाँ पर एक बड़ा इंटरचेंज होगा, जिस तरीके से पटना जंक्शन में अंडरग्राउंड चार टनल होगा उसी तरीके से यहाँ पर चार ट्रैक होगा। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि दो पियर है। तो एक पियर यानी लेफ्ट साइड वाला जो देख रहे हैं आप, जो दानापुर से खेमनी चक को आएगी उसके लिए है, और राइट साइड में जो देख रहे हैं आप तो ये पटना जंक्शन से जो ISBT को जाएगी यहाँ है, ये इंटरचेंज है। यहाँ से आप मेट्रो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से है। और पूरी इस प्रोजेक्ट की लेंथ की बात करो तो लगभग 21 किलोमीटर है अप्रोक्स, और कॉस्ट की बात करो तो लगभग 13,500 करोड़ की लागत से बन रहा है। लगभग 26 मेट्रो स्टेशन है, कुछ अंडरग्राउंड कुछ एलिवेटेड पार्ट। अभी मैं जितना अपडेट दे रहा हूँ ये सब एलिवेटेड पार्ट है। तो ये खेमनी चक का भाग है जहाँ पर मेट्रो स्टेशन होगा। उसके बाद मैं सीधे फिर लेकर चलूँगा तो जो गनपुरा है, रामकृष्णा नगर है और मीठापुर है। तो इसके बाद जो है रेड लाइन वाला अपडेट आ जाता है। तो इसी तरीके से ये पूरा मेट्रो स्टेशन का वर्क है, जिसे प्रेजेंट में तीन कंपनी का मैं नाम जानता हूँ, एक NCC और एक LNT और एक मोंटी कार्लो। तो मोंटी कार्लो जो है वो दानापुर साइड काम कर रही है, और NCC और LNT जो है वो आपका पटना जंक्शन से लेकर के और ISBT में इस साइड काम कर रही है। तो इसी तरीके से पूरा वर्क स्टेटस है। चल यहाँ पर जो ये डाइवर्जन देख रहे हैं आप, ये मीठापुर का डाइवर्जन है। मतलब मैं आपको 0 माइल से लेते हुए आया, जो सामने NH 31 देख रहे हैं वैसे होते हुए, और यहाँ पर ये फिर से अंडरग्राउंड चली जाएगी। तो सामने आप रेन लगा हुआ देख रहे हैं, तो ये दानापुर खेमनी चेक वाले भाग में आ गए। मैं पटना जंक्शन तो ISBT से दानापुर खेमनी चेक वाला सेक्शन में आ गया हूँ। यहाँ पर जो भी आप पिलर वगैरह देख रहे हैं तो ये सीधे जो है कि जा करके और ज़मीन के अंदर ये इन कर जाएगी। मीठापुर का जो मेट्रो स्टेशन है वो यहीं पर होगा, देख सकते हैं आप पिलर यहाँ पर निकल चुका है और यहाँ पर ये सब है। उसके बाद फिर अंडरग्राउंड है डायरेक्ट पटना जंक्शन, और ये डाउन होते हुए पटना जंक्शन की ओर चली जाएगी। तो एक छोटा सा अपडेट है मेरे माध्यम से, तो बने रहिए मेरे साथ फिर से नए अपडेट में, नया अपडेट पाने के लिए तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक यू।